हमारे समाज में औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, लेकिन उज्जैन में 12 साल की मासूम के साथ हुई बर्बरता ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है और हैवान बने पुरुष प्रधान समाज पर शर्मिंदगी की छींट डाल दी है। महाकाल की नगरी उज्जैन में जिसने भी उस मासूम को बदहवास हालत में घूमते देखा, उसका सीना छलनी हो गया। उज्जैन में 12 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसे बदहवास हालत में सड़क पर छोड़ दिया गया और ये बच्ची उज्जैन की सड़कों पर और गलियों में लोगों का दरवाज़ा खटखटाते हुए मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने इसकी मदद तक नहीं की। वहीं घटना का एक चश्मदीद निकल कर सामने आया है। ये वही युवक है जिसने उस बच्ची को अपने कपड़े से ढका और पुलिस को फोन कर सब बताया। चश्मदीद की मां ने तो बच्ची बदहवास हालत में लोगों से मदद मांगती हुए चली जा रही थी और एक छोटे से कपड़े से अपने शरीर को ढकने की कोशिश कर रही थी। युवक ने उस बच्ची से उसके घर और माता पिता के बारे में पूछा, वो कुछ नहीं बोल पाई। युवक ने बच्ची को भूख के लिए पूछा तो बच्ची ने खाने के लिए इशारा किया, जिसके बाद युवक ने पुलिस को मौके पर बुलाया। बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन में माँ बेटी के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच पुलिस ने तेज कर दी है, लेकिन उसकी माँ लापता है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की माँ के साथ भी दुष्कर्म होने की आशंका है, लेकिन वो कहाँ है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बताया जा रहा है कि पीड़िता प्रयागराज के किसी इलाके की रहने वाली है। दोनों के उज्जैन में आने की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बताया कि बच्ची हाटकेश्वर विहार कॉलोनी में लावारिस घूमती रही, वहीं से पैदल ही वो बडनगर रोड पहुंची थी। इलाज के लिए उसे चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में पता चला है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। देर रात हालत खराब होने पर उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। मामले को लेकर पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस की कई टीमें शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। करीब 400 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि पीड़िता मानसिक रूप से बीमार भी है। उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम जो की 25 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, बच्ची का तुरंत मेडिकल कराया गया था और क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी वो कहाँ से थी, तो इसके लिए एक काउंसलर भी स्पेशली बुलाया गया था, जिसने बहुत ही अच्छे से बात करके काफ़ी जो अहम पहलू थे वो निकाले। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई और कायमी के बाद एक SIT गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सके थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है और बच्ची सतना की है और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ एक दिन पहले की है, तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। इसमें अभी तक 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है जो घटना समय, घटना दिनांक, घटना स्थल के आसपास, बच्ची के आसपास थे या उनसे उनकी बातचीत हुई। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।